दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक करें। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं एक सिंह और दोस्तों टेक्निक सर की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और वीडियो तो आप जानते ही हो किसके बारे में, F62 के बारे में है, पांच प्रॉब्लम्स। एंड सबसे पहली बात बता दूं मैं दो चीजें। पहली बात कि अगर आप सैमसंग के डाई हार्ड फैन हो और बुराई नहीं सुनना चाहते हो तो प्लीज ये वीडियो मत देखिए, जाइए आप अनबॉक्सिंग वाले वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए जिसमें बाकी अच्छाई बताई गई है सारी चीजें। एंड दूसरी चीज, इस वीडियो के बनाने का ये कतई मतलब नहीं है कि ये स्मार्टफोन खराब है। स्मार्टफोन जिस प्राइस पे जो स्पेसिफिकेशन आपको दे रहा है बहुत अच्छा स्मार्टफोन है, लिटरली बहुत अच्छा स्मार्टफोन है, मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट में काउंट हो सकता है उस प्राइस रेंज में। लेकिन स्टिल पांच ऐसी चीजें, एक्चुअली 6-7 हैं जिसको मैंने 5 पॉइंट्स में कवर किया हुआ है, जो चीजें आपको जाननी जरूरी है, जो चीजें इसमें नहीं मिलती बट आपको मिलनी चाहिए इस प्राइस पे, उन्हीं के ऊपर डिस्कस करेंगे। चलते हैं इस वीडियो की तरफ। पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों पसंद आया। और इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कुछ भी पूछना चाहो इंस्टाग्राम पे, सबको आंसर्स मिलते हैं, आपको मिल जाएंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज बता दूं कि 24,000 और 26,000 में आता है 6GB 128GB 8GB 128GB सैमसंग गैलेक्सी F62। और ये 22 तारीख को 22nd फेब को इसका सेल है। एंड अगर आप ICICI कार्ड यूज करते हो तो 2,500 रुपए तक एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको इंस्टेंट मिल जाएगा, यानी आपको समझ लीजिए कि 21,500 रुपए और 23,500 मिल जाएंगे। उस प्राइस के हिसाब से धमाकेदार स्मार्टफोन है। आपको इसमें 9825 का चिपसेट मिलता है, सुपर एमोलेड का पैनल है, नॉक्स की सिक्योरिटी दी गई है, NFC का सपोर्ट है, 7000mAh की बैटरी है और फोटोग्राफी के लिए कैमरा भी धमाकेदार है। तो हर एक चीज अप टू द पॉइंट है। लेकिन हम क्या बात करेंगे उन पांच पॉइंट्स के बारे में जो चीजें आपको इसमें नहीं दी जाती, और अगर आपने M51 देखा हो तो उसमें वो इश्यूज आने लगे हैं उनके बारे में। सबसे पहले पॉइंट की बात करेंगे इसके वेट की। सबसे पहला पॉइंट इसका वेट है। वेट इसका आता है 220 ग्राम, जो कि एक नॉर्मल स्मार्टफोन के हिसाब से थोड़ा सा हैवी है। ठीक है, स्मार्टफोन के वेट 190-180 ग्राम तक ठीक है, 220 ग्राम इसका वेट होना, क्योंकि ऑब्वियसली इसका थिकनेस जो है 9.5mm का, यानी काफी मोटा है। बाकी सारे स्मार्टफोन 8mm तक के होते हैं, ये 9.5mm का है, काफी मोटा है, काफी थिक है, क्योंकि 7000mAh की बैटरी देते हैं। इसलिए अगर आपको हैवी फोन नहीं चाहिए तो आप प्लीज इसकी तरफ मत देखना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पेसिफिकेशन अच्छे लग रहे हैं और हैवी फोन चल जाएगा आपको, तो आप इसकी तरफ देख सकते हो। लेकिन इसका वेट जो है वो और इसका थिकनेस जो है, बहुत मोटा फोन है एंड बहुत भारी फोन है एक नॉर्मल स्मार्टफोन यूजर के हिसाब से। दोस्तों दूसरा पॉइंट जो M51 में आया था, अभी तक नॉर्मली वीडियोस में कोई बात नहीं कर रहा उसके ऊपर, मैं आपको बता दूं, नेटवर्क का इशू, करियर एग्रीगेशन, आपको मालूम हो, बहुत सारे लोग जानते हैं कि 4G प्लस इसमें सपोर्ट नहीं करता। जो अभी इनिशियल इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं उसके हिसाब से पता चल रहा है कि इसमें 4G प्लस सपोर्ट नहीं करता, जो कि M51 में भी नहीं सपोर्ट कर रहा था, यहाँ पे भी सपोर्ट नहीं करता। तो याद रखना, अगर आप कहीं भी ऐसे जगह जाते हो जहाँ पे नेटवर्क वीक होगा, वहाँ पे सपोर्ट नहीं करेगा इसमें, तो इसमें नहीं दिया हुआ। पॉसिबली बाद में आपको अपडेट के साथ आ जाए, लेकिन M51 में तो अभी तक नहीं आया हुआ है, एंड M31S में भी नहीं आया हुआ, लेकिन हो सकता है बाद में दे दे सैमसंग। लेकिन इनिशियली अभी जितना पता चल रहा है कि इसमें आपको करियर एग्रीगेशन का सपोर्ट नहीं मिलता। तो अगर आप ऐसे एरियाज में रहते हो जहां पे नेटवर्क का इशू हो, वहां पे आपको ये बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर सकता है। नॉर्मली स्मार्टफोन मेजरली किस चीज के लिए खरीदा जाता है? फोन करने के लिए। तो नेटवर्क के आपको इश्यूज इसमें आ सकते हैं, डेटा के भी। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, चिपसेट जो है इसमें एक्सिनोस का 9825 का दिया हुआ है, प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छा है। नॉर्मली पहले जो नोट 10 प्रो आया था उसमें इसका स्कोर 5 लाख के आसपास जाता था, इसमें स्कोर जो है 4 लाख के आसपास ही आ रहा है, मुझे नहीं पता क्यों 4 लाख के नीचे ही रह रहे हैं। तो लेट्स सी, देखेंगे वो। चलो इशू नहीं है, स्कोर की इश्यूज नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, गेमिंग अच्छी खासी कर पाओगे, सब कुछ ठीक है। सबसे बड़ा इशू एक्सिनोस के चिपसेट का होता है इसका हीटिंग का इशू। मेरे पास एक्सिनोस 990 वाला S20+ है, उसमें भी हीटिंग के इश्यूज आते हैं। तो एक्सिनोस के चिपसेट का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हीटिंग के इश्यूज इसमें बहुत ज्यादा आते हैं, ज्यादा चांसेस है कि इसमें भी हीटिंग के इश्यूज आपको आए ही आए, क्योंकि 990 जो कि उसका सक्सेसर है 9825 का, उसमें जब हीटिंग के इश्यूज आ रहे हैं तो ऑब्वियसली इसमें ज्यादा यूज, इसमें ज्यादा यूज करोगे कैमरास के, वीडियोस के, या फिर गेमिंग ज्यादा करोगे, थोड़े से आपको इसमें हीटिंग के इश्यूज आ जाएंगे। एंड दूसरा इससे रिलेटेड पॉइंट है कि ये 5G फोन नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं मेरे हिसाब से, लेकिन स्टिल आज के टाइम में अगर आप 24,000-25,000 पे कर रहे हो तो आपको लगता है कि आपको 5G फोन मिलना चाहिए, जो नए फोन स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे हैं उसमें। तो ये 5G नहीं है, 4G फोन है, तो ऑब्वियसली अगर 1-1.5 साल में आ भी जाता है तो उसको आप चेंज नहीं कर पाओगे 4G टू 5G, क्योंकि आपको नया स्मार्टफोन लेना पड़ेगा। तो दो इश्यूज हैं, कुछ लोगों को लगता है 5G न होना एक इशू है, तो इसलिए मैंने बता दिया कि इसमें 5G फोन नहीं है, ये 4G फोन है। तीसरा प्रॉब्लम आता है इसके डिस्प्ले और डिजाइन से। डिस्प्ले बहुत अच्छा है सुपर एमोलेड का, अब आप कहोगे फिर क्यों प्रॉब्लम आता है? प्रॉब्लम ये आता है कि प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है कोई खास, गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन है, स्क्रैचेस बहुत जल्दी आ जाएंगे। मेरे पास
जैसे मैंने कहा S20 प्लस है उसके ऊपर गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन है, फिर भी उसके ऊपर स्क्रैचेस आ गए तो गोरिल्ला ग्लास 3 कितना सपोर्ट करेगा? आपको ऊपर लगाना पड़ेगा डिस्प्ले प्रोटेक्शन। और दूसरी चीज, रियर साइड पे प्लास्टिक दिया हुआ है और उसके साथ केस भी नहीं आता, यानी आपको केस खरीदना पड़ेगा। नॉर्मली बाकी स्मार्टफोन आपको केस दे देते हैं, यहाँ पे नहीं मिलता आपको, तो ये चीज याद रखना। पीछे प्लास्टिक भी है, आपको केस भी नहीं मिलता और फ्रंट साइड में आपको गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया, तो मेरे हिसाब से वो चीज अच्छी नहीं है। एटलीस्ट केस देना चाहिए था जो कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की। नॉर्मली अगर आप अनबॉक्सिंग देखोगे तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इसमें 1 UI 3.1 दिया हुआ है। 1 UI 3.1 नहीं है, 1 UI Core है, याद रखना 3.1, यानी थोड़ा टोन डाउन वर्जन है, चीजें उतनी अच्छी शायद आपको न मिले। एंड सबसे बड़ी चीज कि इसमें ब्लूटूथ भर के मिलेंगे आपको, ठीक है। 1 UI में ब्लूटूथ नहीं मिलते, 1 UI Core में मिलते हैं। और पॉसिबली एक पहले रिपोर्ट भी आई थी कि सैमसंग 1 UI Core वाले जितने वर्जन है उसमें बाद में एड भी चालू कर सकता है जैसे Xiaomi देता है, एक रिपोर्ट थी। अभी तक उन्होंने स्टार्ट किया है, पॉसिबली आगे भी न करें, मैं विश करता हूँ कि न करें, लेकिन रिपोर्ट आई थी कि 1 UI Core इसीलिए बनाया गया है कि ताकि छोटे स्मार्टफोन्स में जो मिड रेंज वाले उसमें डाला जा सके एंड ब्लूटूथ से लेके आपको एडवर्टाइजमेंट दिया जा सके। अभी तक तो कोई इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन है एडवर्टाइजमेंट का, लेकिन ब्लूटूथ आपको मिलते हैं जो कि आप डिलीट कर पाओगे, लेकिन ब्लूटूथ आपको इसमें अच्छे खासे मिलते हैं, जो कि मेरे हिसाब से सैमसंग के लिए, अगर सैमसंग अपने प्रीमियम चार्ज करता है जो स्मार्टफोन 15,000-20,000 का, उसको अगर 25,000 में बेच रहे हैं तो ऑब्वियसली ये सब चीजें तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन यहाँ पे आपको ब्लूटूथ भर के मिलते हैं दोस्तों। तो ये 5 पॉइंट्स थे जो कि मेरे हिसाब से इश्यूज हैं। अगर आपको देखना, आपको लगता है कि इससे इशू हो सकता है तो आप देख लीजिए, अदरवाइज स्मार्टफोन में कहूंगा, फिर से कहूंगा कि स्मार्टफोन बहुत अच्छा है, कोई ज्यादा बड़े प्रॉब्लम्स नहीं है, आप ले सकते हो, अपनी प्राइस को जस्टिफाई करें। हर एक स्मार्टफोन में प्राइस प्रॉब्लम्स होते ही होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई स्मार्टफोन बहुत अच्छा हर चीज में होता है, जितने भी स्मार्टफोन उठा लो कोई प्रॉब्लम्स कोई निकली जाएंगे उसमें। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए, पसंद आया लाइक शेयर कर दीजिए, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर दीजिए, मुझे बताया कि नहीं पसंद आया। और भी बहुत सारे वीडियोज हैं, उन्हें भी चेक कर सकते हो और मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो। सपोर्ट खास नहीं करना, साइड में देखो वेक्टर इमेज, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और सपोर्ट कर सकते हो। कैसा लगा वीडियो जरूर बता देना, पसंद आया लाइक कमेंट शेयर कर देना। और इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है कुछ भी पूछना आ जाओ इंस्टाग्राम पे, सबको आंसर्स मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। और अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए गाने साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।